नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जरा सा कुछ हो ड्राइवर को पीटो, रोड पर जरा सी कोई बात हो चलो ड्राइवर को पीट दो। लगता है समाज में कुछ ऐसा ही नियम बन गया है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में एक ऐसी ही घटना का जिक्र जिसमें दूल्हे ने ड्राइवर पर तलवार से वार कर दिया। क्या है पूरा मामला चलिए बताते हैं। हाथों में तलवार लिए ड्राइवर को पीटते हुए ये दूल्हे राजा हैं, जो एक शुभ कार्य के लिए निकले हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर की जरा सी चूक की वजह से ट्रक इनकी गाड़ी में लग जाने से जनाब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है और सारे शुभ काम छोड़कर इन्होंने ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। आखिर इतना गुस्सा क्यों? ड्राइवर को क्या ये लोग इंसान नहीं समझते कि सारे शुभ कार्य छोड़कर लगे ड्राइवर को पीटने। ये घटना है 7 जुलाई की मध्य प्रदेश सीधी जिले के रामपुर नैकिन इलाके की। NH 39 पर ये वाक्या हुआ, जहां पर गुजरते हुए दूल्हे की हुंडई कार को एक ट्रक चालक ने ठोकर मार दी, जिसके बाद दूल्हे राजा आग बबूला हो गए। भूल गए कि ट्रक चालक भी एक इंसान है, भूल गए कि कोई कानून भी है इस देश में जिन्हें अपने हाथ में लेने से ये मुसीबत में पड़ सकते थे। लेकिन पूरे बाराती साथ में थे तो शायद आत्मविश्वास आ गया होगा कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। बस निकाली अपनी शगुन वाली तलवार निकाल कर ट्रक चालक को ट्रक से उतार कर बीच सड़क में बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं, इन दूल्हे साहब से पहले बारातियों ने ड्राइवर पर हाथ साफ कर लिया, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया, ना किसी ने छुड़वाया। फिर पकड़कर दूल्हे के हवाले कर दिया, क्योंकि उस वक्त के हीरो शायद दूल्हे राजा थे, जो जो फैसला करेंगे वो मान्य हो जाएगा। बस दूल्हे साहब के हवाले करते ही उन्होंने तलवारें भांजनी शुरू कर दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने भी इंसानियत दिखाते हुए ये जहमत नहीं उठाई कि उस ड्राइवर को बचाया जा सके। समझाइश करें कि रोड पर अक्सर ये चीजें हो जाती हैं, हालांकि सावधान रहना चाहिए, पर इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, गलती हुई है, तो मुआवजा लीजिए, कोई कानूनी कार्रवाई करवा दीजिए, लेकिन कानून हाथ में ले इसका अधिकार आपको या किसी को भी नहीं है। और इतनी बुरी तरह से बीच रोड पर पीटना तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि हर जगह जरा सा कुछ होता है, अगर ट्रक ड्राइवर या कोई लोडेड गाड़ी का चालक होता है तो उस ड्राइवर को पकड़कर चाहे वो टोल कर्मी हो, पुलिस कर्मी हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, मार सिर्फ ट्रक चालक को ही खानी पड़ती है। किसने बनाया ये नियम कि आखिर कुछ भी होगा तो यही ट्रक चालक पीटे जाएंगे? क्यों नहीं इनके लिए कोई आवाज उठाता, या क्यों नहीं उनके लिए कोई इंसाफ है कि अगर इन्हें कोई पीटे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो? यहाँ तक कि इतनी वीडियोस बन जाती हैं, मौके के साक्ष्य मौजूद होते हैं, पर इनके हक में कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा इन्हीं को धमकाया, डराया या पीटा जाता है। आखिर ये कब तक चलेगा, कब इनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू गोस्वामी, समाना मंडी डिस्ट्रिक्ट पटियाला से। दोस्तों मैं 3 साल से ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा हुआ हूं और अपनी गाड़ी का हमने ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवा रखा है। दोस्तों सभी मालकों और ड्राइवरों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी किसी भी गाड़ी का बीमा करवा सकते हो और बहुत ही अच्छा इनका स्क्योर बीमा है। ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करने के लिए 90831 से संपर्क करें। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।